की सरकार मुर्दाबाद 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 योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अरुवा बड़ुवा मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो मनीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो योगी मोदी मुर्दाबाद 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 योगी मोदी मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन हाय 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 मनीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो मनीषा के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद मनीषा जो वाल्मीकि समाज बिलोंग करती दलित समाज की बेटी जिसके साथ चार ठाकुरों ने उसके साथ खेत में बलात्कार और बलात्कार करने के उपरांत उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हाथ पैर तोड़ दी और जिब्बे काट दी। ये देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी मोदी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और उनके शासन में दलितों पर बहुत सारे से ज़्यादा अन्याय और अत्याचार अमानवीय घटना है। गैर बराबरी को लेकर इस देश के अंदर दलितों के साथ अन्याय हो रहा है और कुछ इतना ही नहीं उसकी जिब्बे काट दी और रात के इस देश की जो एक शक्ति पुलिस होती है उस शक्ति ने रात के 2 बजे के लगभग 3 बजे के लगभग उस लड़की को उसके परिजनों को नहीं दिया और रात में उसको जला दिया ताकि उसको कोई सबूत ना मिल सके जबकि